नमस्कार, मैं हूं शिवानी धड़ाधड़। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। हैदराबाद में ऐसा एटीएम लगाया गया है जिसका इस्तेमाल सोना खरीदने के लिए किया जा सकता है। सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी की तरफ से यह एटीएम लगाया जा रहा है। लोग अब अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अब ऑपरेशन के बाद अपना पहला संदेश जारी किया है। वीडियो संदेश में लालू यादव ने कहा कि आप लोगों ने दुआ किया और हम अब अच्छा फील कर रहे हैं। लालू यादव ने हाथ हिलाकर सबका शुक्रिया अदा किया। अपने पिता का यह वीडियो राजद सांसद मीसा भारती ने शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आप सबकी दुआओं ने ही पापा का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें बेहतर महसूस करवाया। आज पापा ने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में 6 दिसंबर को आशीष मिश्रा समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ लखीमपुर खीरी की अदालत में आरोप तय किए गए हैं। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने पीटीआई भाषा को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत में तिकोनिया कांड मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मंगलवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर देश की सरकारें संविधान के पवित्र उसूलों के तहत काम करती तो करोड़ों गरीबों को कई मुसीबतों से मुक्ति मिल गई होती। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से फोन पर बात की और किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सेहत के बारे में पूछा। संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव का सोमवार को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। लालू यादव को किडनी डोनेट और किसी ने नहीं बल्कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने की। इस ट्रांसप्लांट के बाद रोहिणी के सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर कई बड़े राजनेताओं ने जमकर तारीफ की, जिसमें से एक भाजपा के नेता गिरिराज सिंह भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में अक्सर आतंक से जुड़ी खबरें सामने आती हैं। इसी को लेकर आज यानी 6 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के नेतृत्व में हुई इस बैठक में सुरक्षा की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता सहित कई और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यूपी के नोएडा शहर में स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के अपार्टमेंट के फ्लैट को किराए पर लेकर अवैध तरीके से पीजी चलाए जा रहे हैं। सोसाइटी में रहने वाले सभी बैचलर्स किराएदारों से 31 दिसंबर तक मकान खाली करने को कहा गया है। एओए प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने फ्लैट्स ऑनर्स को नोटिस दिया है कि आपने अपना फ्लैट जो किराएदार पर दिया है यहाँ गलत तरीके से रह रहे हैं, वह फ्लैट को पीजी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि आज देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और देश का माहौल खराब हो रहा है। सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी सरकार का टकराव चल रहा है। आयकर विभाग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। दोनों राज्यों में करीब 20 अलग अलग जगहों पर आयकर विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। पिछले कुछ महीनों से तेलंगाना में आईटी विभाग की गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 30वीं बरसी पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे, पक्का करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे ना भूलें। उन्होंने 6 दिसंबर की तारीख को लोकतंत्र का काला दिन बताया है। पॉलिटिकल विंग SDPI के अध्यक्ष इसरार अली खान और प्रतिबंधित संगठन PFI के पूर्व मीडिया प्रभारी मोहम्मद समून को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि में संलिप्तता नहीं मिली है। कटिहार जिले के मनिहारी के बाघमारा में हो रहे कटाव की स्थिति का जायजा लेने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री मनिहारी के बाघमारा पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मनिहारी में पूरी तैयारी कर ली गई थी। सीएम के आगमन से उन स्थानीय लोगों के अंदर आस जगी है जिनका जनजीवन कटाव से तबाह है। पेप्सिको कंपनी आने वाले समय में छटनी की तैयारी कर रही है। अगर यह छटनी होती है तो कंपनी में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए यह काफी दुखद होगा। पेप्सिको के साथ फिलहाल 3,09,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। हिंद महासागर में आंख मिचौले का खेल जारी है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक ओर लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन आमने सामने हैं, वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर में भी चीन सीमा लांघ भारत पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने जासूसी पोत को हिंद महासागर में भेजा है।
इससे चीन अगले सप्ताह होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर अपनी नजर रख सकता है। चीन का वुहान लैब एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। दरअसल एक अमेरिकी वैज्ञानिक एंड्रयू हफ ने वुहान में रहकर एक रिसर्च किया, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि वुहान की लैब से रिसाव के बाद कोरोना देशभर में फैला है। उन्होंने एक किताब के जरिए बताया कि वुहान लैब में सुरक्षा की कमी देखी गई है, जिस कारण कोरोना के रिसाव को रोका नहीं जा सका। अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 में अब जूनियर्स अपना रंग जमाएंगे। नया सीजन 5 दिसंबर को शुरू हो चुका है और हॉट सीट पर झारखंड जमशेदपुर के वेदांत शर्मा नजर आए। वेदांत ने अपने गेम से बिग बी का दिल जीत लिया और उनके साथ खूब मजेदार बातें भी की। वेदांत ने 12,05,000 रुपये के सवाल पर गेम क्विट कर दिया और अपने साथ 6,40,000 रुपये ले गए। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज पहला मुकाबला स्पेन और मोरक्को के बीच खेला गया। वहीं दूसरे मुकाबले में रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। इस मैच में रोनाल्डो अपना करिश्माई प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज पहले वनडे में गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर चोटिल हो गए हैं। शार्दुल का दूसरे वनडे में खेलना संदिग्ध हो गया है। ऐसे में उमरान मलिक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। सानिया मिर्जा से तलाक के खबरों के बीच पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक अपने बेटे इजहान से मिलने दुबई पहुंचे। हालांकि इस दौरान सानिया मिर्जा कहीं भी नजर नहीं आई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक के लिए लोकसभा में राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा था। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने की संभावना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को लेकर 18वें संयुक्त कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का अंतिम दौर शुरू हो गया है। बता दें कि दोनों देशों के बीच की बैठक 5 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल कर रहे हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को घोषणा करते हुए बताया कि 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सैटेलाइट संस्थान अनुसंधान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा और बड़ी आबादी के लिए किफायती आयुष सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से भेजे जा रहे ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी समेत जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक हो रही है। मंगलवार को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने किया और इसमें केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक हाइब्रिड मोड पर रही। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक रक्षण वैदिक संगठन ने बेलगावी में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आधिकारिक आवास क्लिफ हाउस में एक सुरक्षा अधिकारी का सर्विस हथियार सफाई के दौरान गलती से पहुंच गया। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि वह विधानसभा सत्र के लिए जल्दी निकल गए थे। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शिवसेना में विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के संबंध में उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान एससी ने मामले में अगली तारीख तय की है। देश में पहाड़ी क्षेत्रों के साथ ही मैदानी इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो वहीं दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के आने की आशंका है। आईएमडी का कहना है कि इस तूफान की वजह से 8 दिसंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि उसने उन 34 महिला सैन्य अधिकारियों के बारे में क्या कदम उठाने का सोचा है, जिन्होंने शीर्ष अदालत के निर्देशों पर 2020 में स्थायी कमीशन दिए जाने के बाद पदोन्नति में देरी का आरोप लगाया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, ब्यूटी कुमारी, बिट्टू कुमार, राज, भान प्रकाश मौर्य, सिफोन कुमार, भान प्रकाश मौर्य, के सिन्हा, मोहम्मद कौशल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि रोहिणी द्वारा अपने पिता लालू यादव के लिए किडनी देने जैसे साहसिक कदम पर आप क्या कहना चाहेंगे। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।